उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 25 मार्च को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर भाजपा जिला भिलाई द्वारा बुलडोजर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बुलडोजर रैली का शुभारंभ स्लाटर हाउस सुपेला से होगा, वही समापन बैकुंठधाम मंदिर परिसर कैंप 2 में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भिलाई द्वारा 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान बुलडोजर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बुलडोजर रैली का यह आयोजन प्रदेश में अनूठा होगा। बुलडोजर रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बुलडोजर रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला, इंद्रजीत सिंह और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ भिलाई जिला के प्रचार प्रसार मंत्री मीनाल चौहान ने जानकारी दी। मैं छोटू चावला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व्यापार प्रकोष्ठ। आज इतना खुशी लग रहा, आनंद लग रहा है कि कल 25 मार्च को माननीय आदित्यनाथ योगी जी यूपी की दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं और एक इतिहास बनाते हुए संभाल रहे हैं कि आज तक यूपी में किसी भी सरकार ने दूसरी बार सरकार नहीं बनाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ का कार्यशैली और वहाँ लोगों के बीच में जो उन्होंने कार्य किया और जो उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की और वहाँ की जीत, स्वाभाविक है कि वहाँ की जीत योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और देश में एक हिंदुत्व की भावना को जागृत करने का जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और वहाँ पर जो उन्होंने बुलडोजर, आज जो बुलडोजर के रूप में उन्होंने वहाँ पर जो भ्रष्टाचार और वहाँ पर आतंक को मिटाया, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है, एक इतिहास है कि उनके उस बुलडोजर का डर ऐसा हो गया कि वहाँ के आतंकी लोग, भ्रष्टाचारी लोग आज यूपी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक ऐसा स्थल बना दिया कि लोग वहाँ आना चालू कर दिए हैं। जहाँ पे पहले लोग व्यवसाय या कोई फंडिंग नहीं लगाते थे, आज बड़े बड़े उद्योगपति भी यूपी में आना चाहते हैं और वहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। ये योगी जी की उपलब्धि है और योगी जी के कारण आज पूरा देश, कल 25 मार्च को जब वो शपथ ले रहे हैं तो पूरा देश उस इंतज़ार में है और टीवी में बैठ के नजरें गड़ा के बैठे हैं कि हमारे देश का सबसे वरिष्ठ और सफल पूर्वक मुख्यमंत्री द्वारा कल शपथ लिया जा रहा है। उन्हीं की याद में हम योगी जी की शपथ के समय 4 बजे भिलाई में एक बुलडोजर रैली, जो कि उनकी एक पहचान है, यूपी की एक पहचान, योगी जी का दूसरा नाम बुलडोजर रैली के रूप में, बुलडोजर मंत्री मतलब मुख्यमंत्री के रूप में जो स्थापित हुआ है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कल हमारे युवा साथी लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह, मीनाल चौहान, मधु साहब व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक और हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमित साहू जी इस रैली का नेतृत्व करेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, सरोज पांडे जी, राकेश पांडे जी और हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी सब उपस्थित रहेंगे और जनता के बीच में हम योगी जी की भावना को लेते हुए ये हम कहना चाहते हैं जनता को कि छत्तीसगढ़ को भी एक बुलडोजर मुख्यमंत्री की ज़रूरत है और वो बुलडोजर मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जिन्होंने 15 साल में इतना विकास किया कि आज लोग उसको तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं योगी जी को पुनः दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। 25 मार्च को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा यूपी की कमान संभाल रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी खुशी में भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली का आयोजन रखा है, बुलडोजर रैली का आयोजन रखा है, जिसका नेतृत्व श्री अमित साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रेम प्रकाश पांडे जी, आदरणीय विजय बघेल जी, श्री सुश्री सरोज पांडे जी और आदरणीय विद्यारतन भसीन जी की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद के साथ स्लाटर हाउस से बुलडोजर रैली का प्रारंभ होगा, जो कि सुपेला चौक से होते हुए गदा चौक, गदा चौक के बाद रामनगर चौक से वैशाली नगर गोल मार्केट होते हुए बैकुंठ धाम मंदिर में जिसका समापन होगा। और इस खुशी के साथ मेरे को बताना पड़ रहा है, बता रहा हूँ
कि जिस तरह से बुलडोजर यूपी में चला है, आने वाले चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये बुलडोजर चलने वाला है, जिसका संकेत हम इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, जिसमें फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने बाजी मारी है और अपना एक परचम लहराया है। उसी के अवसर पे 25 तारीख को जो वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे महोदय आदरणीय और सारे कार्यकर्ता मिलकर के एक बुलडोजर रैली का आह्वान कर रहे हैं। एक रैली निकाली जा रही है कल 25 तारीख को, जिसमें व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से हम सबको शुभकामनाएँ देते हैं और साथ ही साथ सारे आदरणीय महोदय जी का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। 12 योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। बुलडोजर रैली के जरिए भाजपा कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।